हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंजारुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर एच। बच्चों, नया साल आ चुका है और इस नए साल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कि आपका साल अच्छा बना रहे। बच्चों, कठिनाई का दौर चल रहा है, आपको पता ही है कि ओमिक्रॉन आ चुका है, सर उठाए हुए खड़ा हुआ है और ये कठिनाई के दौर में हमें बड़े साहस के साथ इसका मुकाबला करना है। स्टडी सारे ऑनलाइन हो चुके हैं, आपको पता ही है। सो कुछ इसके बेनिफिट्स हैं तो कुछ इसके चैलेंजेस भी हैं। बच्चों, मैं आपसे एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि आप इस दौर में सेफ्टी बरतें। अगर आप सेफ हैं तो आपकी फैमिली भी सेफ है। स्टार्ट करते हैं, आज नया चैप्टर है क्लास 11th का, चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है लिमिट। लिमिट का ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, उसको डिफाइन करने से पहले मैं कुछ टेक्निकल टर्म बता देना चाहता हूँ आपको। ये देखो, यहाँ पे हमें एक साइन मिलेगा, ये एरो मार्क मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं टेंड्स टू या अप्रोचेस टू या फिर गोज टू। आप इनमें से किसी भी वे से आप रीड कर सकते हो, मोस्टली यही रीड किया जाता है। बच्चों यहाँ पर देख लो डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन से पहले एक चीज़ और बताता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है एक्स टेंस टू टू, तो इसका मतलब क्या होता है वो समझने की कोशिश करो। अगर एक्स की वैल्यू हम नंबर लाइन पर बनाएं तो नंबर लाइन पे टू कहाँ पे होता है, वन और टू, ये हुआ टू, ये हुआ वन, ठीक है। एक्स की वैल्यू टेंस कर रही है यानी कि गोज कर रही है दो की तरफ, दो की तरफ जा रही है, तो एक्स की वैल्यू दो की तरफ कैसे जा सकती है, या फिर तो इधर से जा सकती है या इधर से जा सकती है। जब लेफ्ट से जाती है, जब एक्स की वैल्यू लेफ्ट से टू की तरफ अप्रोच कर रही है तो उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, जब राइट से आती है तो इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं डेफिनेशन। द लिमिट ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंस टू एनी नंबर, जैसे यहां पे टू लिया, यहां पे कोई भी नंबर ले सकते हो, दो तीन चार पांच कुछ भी ले सकते हो, एनी नंबर इज टू बी थॉट ऑफ एज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स शुड अज्यूम एट दैट नंबर। मीन्स अभी थोड़ा सा हम लोग इसको और क्लियर डिफाइन कर दूंगा जब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं। बच्चों देखो, अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म ये है लिमिट एक्स टेंस टू टू, और यहां पे फंक्शन दे रखा है, फंक्शन हम ले लेते हैं एक्स प्लस वन, इसकी वैल्यू क्या होगी। पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे पूरा, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होता है, उसके बाद हम मैं इसका एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो बच्चों यहां पर देखो, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट, बॉक्स बनाते हैं, यहां पे हम x लेंगे, यहां पे फंक्शन की वैल्यू, नीचे यहां फंक्शन की वैल्यू लेते हैं, हम x दो की तरफ जा रही है फ्रॉम लेफ्ट, यहां पे कौन सा नंबर होता है आपको पता ही है, एक्स की अगर वैल्यू लोगे क्लोज टू टू क्या होगा 1.9, थोड़ा और क्लोज जाते हैं तो ये हो गया 1.99, और क्लोज जाओ ये 1.999, और क्लोज जाते हैं 1.9999 हो गया। अब देखते हैं, अगर 1.9 है तो x प्लस वन की वैल्यू क्या होगी, ये हमारा फंक्शन जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर ये वैल्यू उठा के हम x के जगह पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 2.9, ये वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा 2.99, ये वैल्यू रखते हैं इसमें तो ये हो जाएगा 2.999, ये होगा 2.99, ठीक है बच्चों। देख रहे हो अप्रॉक्स ये वैल्यू क्या हो रही है ना, 3 के आसपास जा रही है, अप्रॉक्स हम मान सकते हैं ना 3 है। अब देखो बच्चों, राइट हैंड लिमिट क्या होगा, बॉक्स बनाते हैं, ये एक्स की वैल्यू है, यहां पे एक्स प्लस वन की वैल्यू, कुछ कॉलम बना लेते हैं। अच्छा बच्चों देखो, x की वैल्यू राइट हैंड लिमिट निकालना है, राइट से इधर की अप्रोच कर रही है, टू की तरफ अप्रोच कर रही है राइट से, इस साइड से, तो यहां पे कौन सी वैल्यू होगी, यहां पे जो वैल्यू होगी हम 2.1 ले सकते हैं,
ले सकते हैं, लेकिन जैसे और नजदीक आओगे टू के तो ये क्या होगा 2.01 होगा और कम होता जाएगा, ये वाला डिस्टेंस और कम होगा, इसके और नजदीक जाएगा तो 0.01 हो जाएगा, 2.0001 हो जाएगा। ठीक है, अब 2.1 पे वैल्यू देखते हैं कितनी हो रही है इसकी, 3.1 ये वैल्यू रखोगे तो 3.01, ये वैल्यू रखोगे 3.001, ये वैल्यू पे 3.0001, जो कि अप्रॉक्स देख रहे हो वैल्यू इसकी घटती जा रही है, 3.1 है, 3.01 है, 3.001 है, 3.0001 है, ये अप्रॉक्स हम मान सकते हैं 3 हो रही है। तो दोनों केस में अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। सो लिमिट की वैल्यू क्या होगी, अगर हम इस लिमिट की बात करें, लिमिट x टेंस टू 2 x प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कोई भी लिमिट दिया हुआ है x टेंस टू 2 x प्लस 1, इसकी वैल्यू निकालने का तरीका ये है, ये जो x 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है ना, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे, ये x की वैल्यू को 2 उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, देख लेंगे कितना आंसर हो रहा है, ये हो गया हमारा आंसर, ये सॉल्व करने का तरीका है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर मान लो लिमिट x टेंस टू पाई है, यहाँ पे है 3x प्लस 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इस x की वैल्यू पाई उठा के यहाँ पर डाल देंगे, ये हो जाएगा 3π+1, ये आंसर हो गया। सो बच्चों ये है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। ठीक है बच्चों, सो बच्चों अब आगे हम बात करते हैं, इसमें कुछ टर्म्स है जिसको हम देख लेते हैं कि क्या क्या टर्म्स है। देखो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या होता है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स ये क्या कहता है, इसमें तीन चार रूल बना सकते हैं हम लोग। पहला पॉइंट ये है कि कोई दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, अगर ये प्लस हो रहा है, अब बोले कि इसकी लिमिटिंग केस निकालो, लिमिट एक्स टेंस टू ए निकालो, तो क्या करेंगे, इसकी लिमिट अलग से निकाल लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, फिर दूसरे वाले फंक्शन की लिमिट अलग से निकाल लेते हैं, अब बोला क्या है प्लस करना है ना तो प्लस कर देते हैं, अगर माइनस करना होता तो माइनस कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड केस लिमिट x टेंस टू a है, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिया है, अब बोले कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालो, तो वो क्या होगा, पहले वाले फंक्शन को की अलग से लिमिट वैल्यू निकाल सकते हो, लिमिट की वैल्यू निकाल लो इसकी, दूसरे वाले की अलग से निकाल लो, सिंस ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे, अगर डिवाइड हो रहा हो तो क्या करेंगे, सेम यही प्रोसेस अप्लाई करते हुए उसको हम, दो फंक्शन है ये डिवाइड हो रहा है, अब बोले कि इसका लिमिट, इसकी लिमिट की वैल्यू निकालो, तो उस केस में क्या करेंगे, ऊपर वाले की अलग से लिमिट निकाल लेंगे न्यूमरेटर की x टेंस टू a, फिर नीचे वाले फंक्शन जी एक्स की अलग से लिमिट निकाल लेंगे x टेंस टू a, टेंस टू a ही है तो दोनों साइड में टेंस टू ए लिखेंगे, और ये उस इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, दैट इज द फाइनल आंसर। फोर्थ, कोई भी फंक्शन है उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में लैम्डा, इसकी लिमिट की वैल्यू पूछ रहा है एक्स टेंस टू ए, तो हम करेंगे क्या, ये कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, लैम्डा को बाहर निकाल दिया और लिमिट की वैल्यू निकाल ली x टेंस टू a एफ एक्स। ठीक है, ये है हमारे कुछ अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स हैं। इसके बाद आता है कुछ फॉर्मूला भी है जिसको यूज करके हम, बच्चों एक चीज़ मैं पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए,
जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट मैंने आप लोगों को बताई थी, लिमिट x टेंस टू 2 है, फंक्शन ये x प्लस 1 है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते थे, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर रखा, 2 प्लस 1 ये हो गया 3, ये इसकी वैल्यू हो जाती थी। बट मैंने कौन से बता दिया था, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की अप्रॉक्स वैल्यू यही आती थी, तो निकालने का तरीका ये है, बट मेन कॉन्सेप्ट वही था लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट का। देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ये दूसरा क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने क्या बताया था कि लिमिट सॉल्व करने का तरीका ये है कि इस वाले x की ये वैल्यू 2 उठा के यहाँ पे x के जब डाल देंगे, तो यहाँ पर जब डालोगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4, 2 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, ये हो गया 0/0, ये 0/0 फॉर्म है, इसको बोलते हैं हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म। सो बच्चों एक बार ध्यान से देखो, क्या सुनना ध्यान से क्या बता रहा हूँ मैं, जब ये लिमिट की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं फंक्शन में, अगर उसकी वैल्यू आ जाती है 0/0, तो ये इसको बोला जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। बेसिकली लिमिट की वैल्यू 0/0 फॉर्म में नहीं आ सकती, लिमिट की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है, बट 0/0 फॉर्म नहीं आ सकता। अगर ये फॉर्म आ रहा है तो ये इंडिकेशन है कि आपको लिमिट को फर्दर सॉल्व करना है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं इसको, इन डिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म कितने होते हैं, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म 7 होते हैं, पहला है 0/0 जो कि वहां पे आया हुआ है, सेकेंड होता है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, थर्ड 0 × ∞, फोर्थ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, फिफ्थ 1 to power ∞, सिक्स्थ 0 to power 0, सेवेंथ इन्फिनिटी पावर 0, ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं। अगर लिमिट्स की वैल्यू सॉल्व करते समय, ऐसे सॉल्व करते समय अगर ये फॉर्म आ रहा है तो फर्दर ये लिमिट की वैल्यू नहीं हो सकती, इसको फर्दर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो बच्चों अब कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए जो हमने अब तक टिल फर्स्ट क्लास टू ट्वेल्थ अब तक जितने फॉर्मूले पढ़े हैं उन सबको यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा बुक में कुछ फॉर्मूला बना के दिया गया है, इन फॉर्म को हटा के एक फॉर्मूला बनाया गया, उस फॉर्मूला के थ्रू भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं पहले फॉर्मूला मेंशन कर देना चाहता हूं आपको, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू पावर एन माइनस ए टू पावर एन अपॉन, देखो यहां पे क्या है, ये वाला x है x टू पावर n, n कोई नंबर है, पॉजिटिव नंबर ले सकते हो, कोई भी नंबर ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो, ये दोनों सेम है, देख रहे हो ना, ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी सेम है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक x है एक है a, यानी कि x की वैल्यू a की तरफ जा रही है, ये वाली x की वैल्यू इधर जा रही है, ठीक है ना, a की तरफ, और बिना पावर का ये नीचे होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या क्या होता है वो ध्यान से देखो, लिमिट x टेंस टू a x टू पावर n माइनस a टू पावर n अपॉन x माइनस a, इसकी वैल्यू होती है, वैल्यू बेसिकली यहीं से आती है, सिर्फ यहीं से आती है, देखो कैसे आती है, इस पावर को बाहर करेंगे, a पे पावर एक रिड्यूस कर देंगे, ये हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय एक्स, देखो बच्चों क्या है, एक्स की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, अगर इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर रखोगे, एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0/0 फॉर्म हो गया, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और 0 नीचे है तो 0/0 फॉर्म हो गया। तो इसको हटा के ना, इस फॉर्म को हटाया गया है, इसको सॉल्व करके हटाया गया, फॉर्मूला क्या बनाया गया, इक्वल टू होता है 1, कैसे कब होता है ध्यान से देखो, एक्स की वैल्यू ये कहीं भी जाए, ये ऊपर वाला 0 होना चाहिए और नीचे वाला भी 0 होना चाहिए,
और एक और कंडीशन है कि ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, तभी जाके ये वन होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा ये फॉर्मूला। x टेंस टू अगर ज़ीरो है, साइन x बाई एक्स लिखा हुआ है, तो देखो ये रखोगे वैल्यू तो ये जीरो बाई जीरो हो रहा है, बट इसकी वैल्यू वन नहीं होगी अभी तक। पता है क्यों? क्योंकि ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी सेम नहीं है। इसको सेम बनाने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे ए एक्स है, यहाँ पे एक्स था, इस ऐसा बनाने के लिए यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हमारा हो गया फॉर्मूला से वन, लिमिटिंग केस में ध्यान रखना, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो होगा तभी जाके वन होगा। मैंने बताया था ना अभी अभी प्रॉपर्टी बताई थी, ये लिमिट जब मल्टीप्लाई में हो तो ये लिमिट इसके साथ ले लेंगे, ये लिमिट इसके साथ ले लेंगे। तो यहाँ पे या फिर ऐसा भी बोल सकते हो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे और इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन ए एक्स बाई ए एक्स, ये हो गया हमारा वन। तो ए इंटू वन इक्वल्स टू ए इज द आंसर। ठीक है बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आई। तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे देख लो, तीसरा फॉर्मूला भी है लिमिट x टेंस टू ज़ीरो टैन x बाई एक्स, ये भी होता है वन। कंडीशन वही है, ये दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है बच्चों, सो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों इस वाले क्वेश्चन की। ये तो आ गया जीरो बाई जीरो फॉर्म, हमें पता है कि ये लिमिट की वैल्यू नहीं हो सकती है, तो उस केस में हमें इस फंक्शन को और फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीका देख लेते हैं। मेथड वन, लिमिट एक्स टेंस टू टू है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, एक्स माइनस टू, बेसिकली नीचे जीरो इसके कारण आ रहा है, ये वाले के कारण। अगर ये नीचे से हट जाए तो नीचे से जीरो हट जाएगा। इसको नीचे से हटाने के लिए ऐसा ही अगर ऊपर बन जाए तो इसको काट सकते हैं ऊपर से, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, ऐसा ही ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी, और नीचे था एक्स माइनस टू। तो देखो बच्चों आ गया ना ऐसा, हमारा नीचे वाला जीरो इसी के कारण आ रहा था, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब लिमिट की वैल्यू रख के देखो क्या हो रहा है, ये लिमिट की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो टू प्लस टू ये हो गया फोर, ठीक है, ये लिमिट की वैल्यू हो गई। मेथड टू में देख लेते हैं, मेथड टू क्या बोलता है। मेथड टू में हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अभी मैंने दिखाया आप लोगों को लिमिट एक्स टेंस टू ए, यहाँ पर था एक्स टू पावर एन माइनस ए टू पावर एन अपॉन x माइनस ए, इसकी वैल्यू हो रही थी यहाँ से आ रही थी, ये n बाहर निकाला a n माइनस वन। सो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखना, इसको इससे कंपेयर करो, इस इनफैक्ट इससे कंपेयर कर दो, क्योंकि ये तो 2 का स्क्वायर है ना। देखो पावर दोनों सेम है ना, देख रहे हो। चलो इसको मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, लिमिट x टेंस टू टू, ये एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस टू, कंपेयर करो इससे, ये x की वैल्यू 2 की तरफ, x की वैल्यू a की तरफ, तो ये a हो गया और ये x है और ये a है, और बिना पावर का सेम पावर यहाँ पे है, अब बिना पावर के नीचे लिखा हुआ है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, आंसर यहाँ से बनेगा। आंसर क्या होगा, 2, ये पावर बाहर निकलेगा, 2 पे पावर 1 रिड्यूस कर देंगे, तो ये हो गया 2 इंटू टू डैट इज 4, ठीक है बच्चों। एक और मेथड है, मेथड 3, मेथड 3 है जिसको बोलते हैं एल हॉस्पिटल्स रूल, हॉस्पिटल लिखा जाता है, पढ़ा जाता है हॉस्पिटल्स। तो एल हॉस्पिटल्स रूल क्या कहता है, जीरो बाय जीरो फॉर्म के लिए होता है, ओनली फॉर जीरो बाय जीरो फॉर्म। जिन बच्चों ने डेरिवेटिव कर रखा है उन्हीं से ये क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। मैं बता रहा हूं, लिमिट
एक्स टेंस टू टू, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, एक्स माइनस टू, ये क्वेश्चन था। अगर ये वैल्यू हमने यहाँ पे रखी तो इसकी वैल्यू आई 0/0 फॉर्म, ठीक है। अब हम इसको एल हॉपिटल्स रूल से सॉल्व करेंगे। तो एल हॉपिटल्स रूल क्या कहता है, ऊपर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो, ऊपर वाले को न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होगा 2x, इसका 4 का 0 हो जाएगा, और नीचे वाले को सेपरेट करो। सेपरेट सेपरेट करना है, ये नहीं कि इसमें क्वेश्चन रूल अप्लाई कर देते हैं, ये दोनों सेपरेट सेपरेट करना है। इसका हो जाएगा 1 - 0, लिमिट एक्स टेंस टू टू, अब वैल्यू डाल दो, आ गया आंसर 4, एक्चुअली ये 2 × 2 हो गया ना, अपॉन 1, दैट इज 4। ये भी एक मेथड है बच्चों, ये क्वेश्चन ये रूल यूज किया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन तभी आप कर पाओगे जब आपका डेरिवेटिव क्लियर है, जो कि अभी मैं थोड़े दिनों बाद एक दो क्लास के बाद मैं आपको अपलोड कर दूंगा, डेरिवेटिव का भी पूरा कॉन्सेप्ट अपलोड कर दूंगा, ठीक है बच्चों। सो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं बच्चों। एक फॉर्मूला और है अपने बुक में, एनसीईआरटी बुक में, वो भी लिखवा देता हूँ मैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 - cos x अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू होती है 0। तो ये भी फॉर्मूला हम यूज करेंगे जब लिमिट को सॉल्व करते समय, हम इसको भी यूज करेंगे फॉर्मूले को, ठीक है बच्चों। तो अपने पास अभी तक 3 फॉर्मूले हैं, एक अलजेब्रा वाला ये वाला था फॉर्मूला, एक साइन वाला था, साइन और टैन तो एक ही में होता है, वो था एक ये, तो ये हो गए इतने फॉर्मूले हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फर्दर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे बच्चों। इस डेफिनेशन को हम लोग यहाँ पे जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन का एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, एक्स टेंस टू टू जो मैंने एग्जाम्पल लिया था एक्स प्लस वन, इसकी वैल्यू देखोगे तो कितनी अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आ रही थी, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ रही थी 3, ठीक है बच्चों। तो अब देखो यहां पे, द लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू एनी नंबर 2 इज टू बी थॉट ऑफ एज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स शुड अज्यूम एट दैट नंबर। इस वैल्यू ऑफ एफ एक्स क्या होगा, हमें अज्यूम करके चलना है कि इसी पे जो वैल्यू आ रही है ना, दैट इज द वैल्यू ऑफ द लिमिट्स। इस वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे, कितना आया 2 + 1, दैट इज 3। 3 इस लिमिट की वैल्यू है, जो अप्रोक्स हम लेके चल रहे थे वो हमारा यही 3 आएगा, ठीक है ना। ऐसे निकालेंगे और इसको इस वाले डेफिनेशन को ऐसे जस्टिफाई करेंगे हम लोग, ठीक है। सो बच्चों अभी हम क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 13.1 एनसीईआरटी बुक है, टॉपिक हम ले रहे हैं सिर्फ लिमिट, डेरिवेटिव नहीं कवर कर रहे हैं, सिर्फ लिमिट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 3, एक्स प्लस 3 की वैल्यू, बच्चों बताओ क्या होगा। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख दो, 3 + 3 = 6। सेकेंड क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंस टू पाई, एक्स माइनस 22/7 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, कुछ नहीं करना है, एक्स की वैल्यू पाई उठा के यहाँ पर डाल देना है, हो गया लिमिट की वैल्यू ये। सो ऐसे ही आप कहाँ तक कर सकते हो, इजली कर सकते हो, 3-4 कर सकते हो। फिफ्थ पे आते हैं हम लोग, लिमिट एक्स टेंस टू -1, एक्स टू पावर 10 प्लस एक्स टू पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स -1, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस -1 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, ये 10 पावर है, -1 टू पावर 5 है, प्लस 1 है, यहाँ पर डालेंगे -1, अब -1 तो था ही, किसी भी नेगेटिव नंबर में पावर इवन होगा तो ये पॉजिटिव हो जाता है, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा,
ये भी ये ऑड नंबर है तो माइनस का फाइव हो, माइनस का वन हो जाएगा, प्लस वन हो गया अपॉन ये माइनस वन है, माइनस वन माइनस टू हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया हमारा आंसर वन बाई टू। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ देखते हैं। लिमिट x टेंस टू ज़ीरो x प्लस वन टू पावर फाइव माइनस वन अपॉन x। बच्चों इसको हम बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं। पहला देखो इसको, इसका एक फॉर्मूला हमने देखा था, लिमिट x टेंस टू a x टू पावर n माइनस a टू पावर n अपॉन x माइनस a। पावर वाला है तो हम इस ये अप्लाई कर सकते हैं, सोचेंगे कि ये अप्लाई हो सकता है कि नहीं, आंसर यहाँ से लिखते थे एन ए एन माइनस वन। देखो बच्चों यहाँ पे पावर फाइव है, यहाँ पे वन पे पावर कुछ भी नहीं है ना, जबकि यहाँ पे होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसको पावर में हम ऐसे लिख सकते हैं, वन की पावर कुछ भी दोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वन ही रहेगा। अब बिना पावर का नीचे लिखना है ना, एक्स प्लस वन माइनस वन लिखा, देखो ये कैंसिल आउट होकर एक्स बन जाएगा, और यहाँ पर लिमिट क्या था एक्स टेंस टू ज़ीरो। बच्चों मैंने क्या बताया था, x की वैल्यू a की तरफ जा रही है, इसकी तरफ जा रही है, अब देखते हैं क्या इसकी वैल्यू इसकी तरफ जा रही है। देखो अगर जीरो रखोगे तो इसकी वैल्यू वन की तरफ ही जा रही है, आ गया। तो आंसर हम यहाँ से लिखेंगे क्या होगा, फाइव वन टू पावर एक घटा देंगे फोर हो गया, फाइव इंटू वन पे पावर कुछ भी होगा वन हो गया, डैट इज द आंसर फाइव। एक और मेथड देख लो, मेथड टू में हम लोग देखते हैं एल हॉस्पिटल्स रूल। जिन बच्चों का डेरिवेटिव क्लियर है, साइंस वाले बच्चे का फिजिक्स में किया ही होगा, उन बच्चों के लिए है, अदरवाइज आप डेरिवेटिव का जब चैप्टर पढ़ लो फिर इसी वाले मेथड को समझोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। उसमें करेंगे क्या, ये लिमिट जब डालोगे, क्वेश्चन हमारा ये था x टेंस टू ज़ीरो x प्लस वन टू पावर फाइव माइनस वन अपॉन x। जब जीरो डालोगे यहाँ पे तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है, डाल के देखो, जीरो डाला वन, वन पे पावर फाइव वन हो गया, माइनस वन जीरो हो गया, यहाँ पे जीरो डालोगे तो जीरो हो गया, जीरो बाई जीरो फॉर्म होगा। तो एल हॉस्पिटल्स रूल कहता क्या है, ऊपर वाले को अलग से डिफ्रेंशिएट करना है, नीचे वाले को अलग से डिफ्रेंशिएट करना है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे फाइव, एक्स प्लस वन टू पावर फोर हो जाएगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव तो जीरो होता है, पता ही है कॉन्स्टेंट का जीरो होता है, एक्स का हो गया वन। अब लिमिट की वैल्यू डाल दो, जीरो डाल दो यहाँ पे तो क्या होगा, जीरो डाला तो ये वन हो गया, वन पे पावर फोर वन हो गया, फाइव इंटू वन अपॉन वन डैट इज फाइव, आ गया आंसर सेम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ और क्वेश्चन नंबर एट दोनों सिमिलर है। मैं बता रहा था तो यहां पे देखो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट की वैल्यू x टेंस टू टू है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टेन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर। तो करते क्या, सॉल्व करने के लिए ये वैल्यू को हम यहां पे उठाकर डालते हैं, ये डालोगे तो कितना हो जाएगा, फोर, टू का स्क्वायर फोर, फोर इंटू टू थ्री ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस टू टू डाला यहां पे टेन हो गया, टेन माइनस टेन जीरो हो गया, ये जीरो बाई जीरो फॉर्म हुआ। अब इसका पता ही आपको कि इसका तो आंसर होता नहीं है, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म होता नहीं है, तो इसको हटाएंगे। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अब तक मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में ही मैंने बता दिया था कि जितने फॉर्मूले टिल नाउ हमने पढ़ा है अभी तक ट्वेल्थ तक क्लास वन से लेके, उन सारे फॉर्मूले में से किसी को भी यूज करके हम इसको हटा सकते हैं। तो देखो लॉजिक क्या है, नीचे से हमें ये हटाना है, बेसिकली क्या है, जीरो किसके कारण हो रहा है वो देखो, ये ऊपर वाला ये था थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टेन, नीचे क्या था x माइनस टू, ऐसे लिख सकते हैं इसको फैक्टराइज करके x प्लस टू। अब लिमिट x टेंस टू टू, देखो बच्चों अगर ये वैल्यू इसमें डालोगे और इसमें डालोगे तो जीरो किसके कारण हो रहा है, जीरो इसके कारण हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इसको हटाना है, इसके कारण नहीं हो रहा है, ये तो फोर हो रहा है, टू रखोगे तो यहाँ पे फोर हो जाएगा, हमें बेसिकली इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए ऐसा ही ऊपर होना चाहिए, तो ऐसा ऊपर बनाने के लिए इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज करेंगे, पता ही है आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, थर्टी हो गया थ्री एक्स स्क्वायर, थर्टी को हम तोड़ेंगे ऐसे कि प्लस माइनस करने के बाद यहाँ पे वन है ना, वन बनना चाहिए, तो थर्टी को तोड़ोगे तो क्या होगा, सिक्स फाइव, तो माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस टेन, ये हो गया एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, लिमिट x टेंस टू टू। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, कॉमन निकालते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पे x माइनस टू हो गया, प्लस फाइव कॉमन आ गया, x माइनस टू हो गया,
x माइनस टू एक्स प्लस टू कॉमन निकाल सकते हैं, x माइनस टू कॉमन निकाल लो, ये हो गया थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू लिमिट x टेंस टू टू, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये आंसर हो गया टू टू जा फोर फोर ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस फाइव अपॉन फोर डैट इज सेवनटीन बाई फोर, ये आंसर है बच्चों। इसको चाहो तो आप एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हो, काफ़ी इजी होगा, ठीक है, बट वो तभी यूज करेंगे जब हम डेरिवेटिव पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ और क्वेश्चन नंबर एट सिमिलर है, जैसे ये जो प्रोसेस यहाँ पे लगा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सेम प्रोसेस लगेगा क्वेश्चन नंबर एट को करने में, तो आप लोग उसको ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको फिर आप मुझे मेल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो उस क्वेश्चन को, उस नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा उसका सॉल्यूशन। सो बच्चों ये क्वेश्चन देखो, देखो बच्चों हमारे पास तीन फॉर्मूले थे, तीन इनफैक्ट चार फॉर्मूले थे, उन चारों फॉर्मूलों को आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूले तो और भी है जिसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी तक फर्स्ट पार्ट में मैंने चार फॉर्मूले बताए थे, उन्हीं फॉर्मूले पे बेस एक था, एक पावर वाला था, ये वाला फॉर्मूला था लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू पावर एन माइनस ए टू पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, आंसर होता था एन ए एन माइनस वन, ये आंसर होता था। अब बच्चों देखो यहाँ पे यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पावर वाला तो एक ही फॉर्मूला है अलजेब्रिक, ठीक है। सो इस केस में x यहाँ पे x ये z है, यहाँ पे a है 1, सो यहाँ पे देखो पावर यहाँ पे है, यहाँ पे भी पावर है, यहाँ पर पावर है नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर हम लगा सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 1 बाई थ्री माइनस 1 टू पावर 1 बाई थ्री, क्योंकि 1 पे कोई भी पावर डालोगे तो वो 1 ही होता है, बट मैंने बोला था विदाउट पावर ये दोनों x माइनस ए नीचे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो नीचे कुछ है नहीं, नीचे में डिनोमीटर में ये टर्म आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विदाउट पावर यहाँ पे लिख देते हैं z माइनस वन, विदाउट पावर लिख दिया, होल डिवाइडेड बाई, अब ये लिखते हैं टर्म, इसको भी ऐसे ही बनाना है 1 बाई सिक्स, इसको भी z माइनस वन से डिवाइड करते हैं विदाउट पावर, देखो ये दोनों बैलेंस हो जाएगा, ये कट जाएगा फिर, तो फिर यही मिल जाएगा हमारा, तो यानी z माइनस वन से हमने डिवाइड किया इसको, इसको भी डिवाइड करके बैलेंस कर लिया, ठीक है। अब इसके लिए लिमिट न्यूमरेटर के लिए अलग ले लेते हैं, डिनोमेटर के लिए अलग ले सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वन बाई सिक्स अपॉन जेड माइनस वन। तो बच्चों ये तो उसकी अलजेब्रिक ऑफ लिमिट था, तो उसके अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज थी ना उसकी, हमने देख रखे थे फर्स्ट पार्ट में, देख लेना उसमें है। यहाँ पे देखो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे आंसर यहाँ से आएगा, मैंने बताया भी था आंसर क्या होगा, 1 बाई थ्री बाहर आएगा ये, इसमें से एक पावर हम रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से आंसर, क्योंकि ये फॉर्मेट है ना, आंसर यहाँ से आएगा 1 बाई सिक्स बाहर कर लेंगे, 1 पे पावर 1 बाई सिक्स माइनस 1 कर देंगे, 1 पे कोई भी पावर हो ये 1 ही रहेगा, तो फाइनली क्या बना ये 1 बाई थ्री 1 बाई सिक्स, ये कट गया, आंसर आ गया 2। बच्चों देखो ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करेंगे जब 0 बाई 0 फॉर्म है, ये 0 बाई 0 फॉर्म होगा, आप 1 रखोगे ना तो ये 0 और 0, 0 बाई 0 फॉर्म है, ठीक है। सो ही ये अप्लाई किया गया फॉर्मूला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 13 एंड 14 एक साथ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को कैसे हैंडल करेंगे वो देख लेते हैं। लिमिट सॉल्व करने के लिए ये यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये पुट करने के बाद ये हो जाएगा 0 बाई 0 फॉर्म, ठीक है। इस फॉर्म को हमें हटाना है, हटाने के लिए क्या कैसे करेंगे वो देख लो, एलसीएम लेते हैं इसका, 2x 2 यहाँ पे आया, x यहाँ पे आया, और ये नीचे था तो नीचे लिख दिया, ये सिमिलर क्वांटिटी है, कट गया इससे। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, आंसर हो जाएगा 1 बाई 4, दैट इज द आंसर। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू 0 डालोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है,
यहाँ जीरो डालोगे तो ये जीरो हो जाएगी। सो जीरो बाई जीरो फॉर्म है, इसको हटाने के लिए जब भी साइन दिखे वो साइन थीटा बाई साइन एक्स बाई एक्स वाला फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, ये वाली लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स, इसकी वैल्यू होती है वन, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे ठीक है, जब भी साइन दिख जाए तो। तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स बाई बी एक्स लिखा हुआ है ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला तभी आता है जब जितनी क्वांटिटी यहाँ पे, जो क्वांटिटी यहाँ पे वही क्वांटिटी नीचे होनी चाहिए, यहाँ पे तो ए एक्स है बट नीचे क्या है बी एक्स है, तो हम क्या करते हैं इस बी को बाहर करते हैं, थोड़ा डिस्टेंस पे लिखते हैं, यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई करते हैं ऐसा बनाने के लिए, फिर ए से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, बैलेंस हो गया। अब ये पूरी क्वांटिटी वन होगी, ये होगा वन इंटू ए बाई बी, आंसर होगा ए बाई बी ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स बाई साइन बी एक्स, ये वैल्यू भी यहाँ पे पुट करोगे तो ये हो जाए साइन जीरो जीरो होता है और साइन जीरो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो बाई जीरो फॉर्म हो गया। इस फॉर्म को हटाने के लिए साइन वाला फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे, तो उसके लिए करेंगे क्या, एक्स टेंस टू जीरो है साइन ए एक्स, ऐसे ही क्वांटिटी नीचे होनी चाहिए, नहीं है तो ए एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई भी कर देंगे, बैलेंस हो गया। लॉन्ग डिविजन साइन नीचे था साइन बी एक्स, इसके नीचे बी एक्स होना चाहिए, बी एक्स नहीं है तो बी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड करते हैं सॉरी, और उससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे, बैलेंस हो गया। ये हो गया हमारा वन, ये भी हो जाएगा वन, एक्चुअली इसको लिखेंगे पहले डिवाइड वाला रूल ऐसे लगेगा, प्रॉपर्टी जो बताई थी मैंने, ऊपर अलग से लिमिट लगाएंगे और ये कैंसिल हो गया, नीचे अलग से लिमिट लगाएंगे, इंटू ए था नीचे था बी ठीक है, ये वन हो गया, ये वन हो गया, ए और बी कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, तो आया ए बाई बी इंटू में वन बाई वन डैट इज ए बाई बी, ये आंसर हो गया ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बाकी क्वेश्चन बाकी जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ वो इजी है, आप ट्राई करना हो जाएंगे। लिमिट कॉस 2x माइनस वन कॉस x माइनस वन एक्स टेंस टू जीरो, अगर जीरो डालोगे यहाँ पे कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन, वन माइनस वन जीरो हो गया और वन माइनस वन जीरो हो गया, तो ये हो गया जीरो बाई जीरो फॉर्म ठीक है बच्चों। अब इसको कैसे हैंडल करेंगे, ये जीरो बाई जीरो फॉर्म हटाना है, नीचे से जीरो हटाने के लिए मेन टारगेट ये रखना है कि नीचे से जीरो हटना चाहिए, रीजन इसलिए है कि लिमिट की वैल्यू जीरो हो सकती है, ऊपर वाला हो सकता है लेकिन नीचे वाला नहीं होना चाहिए, नीचे वाले की वजह से नहीं ये जीरो बाई जीरो फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसको हटाने के लिए कॉस टू थीटा का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं कॉस में, क्योंकि नीचे कॉस है, इसका होता है फॉर्मूला टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, ट्रिगो का फॉर्मूला है एक्स टेंस टू जीरो, ये हो गया टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, माइनस वन यहाँ पे था, ये हो गया कॉस एक्स माइनस वन, ये हो गया टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू अपॉन कॉस एक्स माइनस वन, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। फर्दर इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ से टू कॉमन निकाल लो, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, नीचे था कॉस एक्स माइनस वन, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टू, लिमिट से बाहर ले सकते हैं टू, अलजेब्रा ऑफ लिमिट में पढ़ा था हमने, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, और नीचे हो गया कॉस एक्स माइनस वन, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब लिमिट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, जीरो हो गए तो वन हो जाएगा, वन प्लस वन टू हो जाएगा, टू इंटू टू डैट इज फोर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19th. लिमिट x टेंस टू ज़ीरो x sec x, ये वैल्यू ज़ीरो यहाँ पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो इंटू sec ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी. तो ये हो गया इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म. इसको हटाना है, इसको हटाने के लिए हमें इसको ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म में कन्वर्ट करना है. कैसे कन्वर्ट होगा, ये x है cos, sec की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 बाई cos, ये 0 बाई 0 फॉर्म हो गया. ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करना है. कैसे सॉल्व करोगे, नो नो नो, सॉरी, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में ये ज़ीरो यहाँ पर रखेंगे, ज़ीरो सेक ज़ीरो की वैल्यू वन होती है तो ये हो गया ज़ीरो, ये लिमिट की वैल्यू हो गई. मैंने बताया था कि लिमिट की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, इन्फिनिटी हो सकती है, सिर्फ सात इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो मैंने बताया था वो नहीं हो सकता. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 है, ये दो क्वेश्चन है. इसमें देखो बच्चों कैसे करेंगे, लिमिट की वैल्यू ज़ीरो यहाँ पुट करेंगे तो साइन ज़ीरो की वैल्यू ये पूरी ज़ीरो हो जाएगी, और ये ज़ीरो यहाँ पर डालोगे तो ज़ीरो हो जाएगा, तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो हो गया, और नीचे भी ये ज़ीरो हो गया, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म हो गया. इसको हटाना है, साइन दिख रहा है तो साइन जब दिख रहा है मैंने बताया था इसको इसके एंगल से डिवाइड कर देंगे बैलेंस करने के लिए, एक से मल्टीप्लाई भी कर दिया, प्लस बी एक्स तो था ही. अब देखो ये ax था साइन bx, इसको bx से डिवाइड करके bx से मल्टीप्लाई कर देंगे बैलेंस हो जाएगा. अब लिमिट जब लगाएंगे ऊपर अलग लिमिट ले सकते हैं, नीचे भी अलग लिमिट ले सकते हैं, प्रॉपर्टी थी उसकी. अब क्या हो गया, ये हो गया 1, ये हो जाएगा ax प्लस bx प्लस bx, ये हो गया 1, ये हो जाएगा ax प्लस बी एक्स, दोनों सेम है, कट के हो जाएगा 1. ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 cosec x माइनस cot x. देखते हैं बच्चों ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पर डालते हैं. cosec 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की होती है 0, तो इस साइन का रेसिप्रोकल होता है तो ये हो गया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस cot 0 क्या होगा, cot 0 cos बाई साइन होता है, साइन 0 ज़ीरो होता है तो नॉट डिफाइन, ये भी हो गया इन्फिनिटी. तो ये हो गया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म. इस फॉर्म को हटाना है, इस फॉर्म को हटाने के लिए हम करेंगे क्या, इसको 1 बाई साइन कर सकते हैं, इसको कॉस एक्स बाई साइन एक्स कर सकते हैं. अब एलसीएम ले लेते हैं, साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू 0. अब जब 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा 0 बाई 0 फॉर्म, यानी कि इस फॉर्म को हमें इसमें कन्वर्ट करना है. अब क्वेश्चन ये आ गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें हम 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. 1 माइनस कॉस 2 थीटा ट्रिगो का फॉर्मूला है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, जितना भी एंगल है उसका आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है. लिमिट एक्स टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 जितना एंगल है उसका हाफ हो जाएगा. यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जितना भी एंगल है यहाँ पे हाफ हो गया. तो यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन 1 कैंसिल आउट हो गया, दोनों मिल के क्या हो गया, टैन एक्स बाई 2, 0 डालोगे तो ये हो जाएगा टैन 0 0 होता है, तो 0 इज़ द आंसर. ठीक है बच्चों,
सो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ये वीडियो सही हाथ में पहुँचना बहुत ही ज़रूरी है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो तो हो सकता है सही हाथ पे चले जाए, सही लोगों के पास पहुँचे, तो उनकी एक तरह से हेल्प हो जाए। और मेरा भी टारगेट यही है कि उन बच्चों को कवर करना है, उन बच्चों के पास ये सारी चीज़ें मटेरियल पहुँचनी चाहिए जो कि वास्तव में उनको इसकी नीड है। थैंक यू बच्चों।